हाय फ्रेंड, वेलकम टू मोबाइल सी सॉल्यूशन। फ्रेंड, पिछली बार हम बताए वीवो Y91i का जो पैटर्न लॉक पिन लॉक कैसा होता है, का अभी बताऊंगा उसका FRB कैसा बाईपास करने का, FRB कैसा डिलीट करने का उसको बताऊंगा। तो ये है वीवो कंपनी का मोबाइल, वीवो Y91i मॉडल है। तो हम EMT का डंगल का माध्यम से उसको हम FRB निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम EMT डंगल है उसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं। करने के बाद में फ्रेंड हमको अल्टीमेट मल्टी टूल, अगर आप देख सकते हो अल्टीमेट मल्टी टूल, उसको ओपन करना है MP के। थोड़ा टाइम चाहिए फ्रेंड। उसके बाद में आपको टूल FRP में जाने का है। उसके बाद में इधर ब्रांड उसका सिलेक्ट करना है, जो वीवो है तो मैं वीवो सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद में उसका मॉडल नंबर को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो उसका मॉडल नंबर है वीवो Y91i। उसके बाद में वो क्या करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के केबल को कनेक्ट करना है और रिसीट FRP में क्लिक कर देना है। 2-3 सेकेंड में आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको हम कंप्यूटर में जाते हैं, उसमें मैनेज में जाते हैं और डिवाइस मैनेजर को हम ओपन कर देते हैं। डिवाइस मैनेजर इसके लिए ओपन कर रहा हूँ, जो हमारा पोर्ट बन के आएगा उसको मालूम पड़ेगा। तो चलिए तो आपको बता देता हूँ उसमें FRP लॉक है या नहीं है। ये देख सकते हो आप, जब सेटअप सेटअप करके जाएंगे तो ये देखिए FRP आ गया। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ कर देंगे। जब मैं स्विच ऑफ कर दिया, करने के बाद में उस आपको इधर ध्यान देना है, ये साइड में जो ड्राइवर उसका शो होगा MediaTek का, और जैसा शो होगा उसी टाइम में आपको रीसेट FRP क्लिक कर देना है। तो वॉल्यूम प्लस माइनस को दबा कर रखना है और केबल कनेक्ट कर देना है। तो मैं केबल को बस माइनस दबा केबल को इंसर्ट कर दिया। करने के बाद में हम देखते हैं इधर हमारा, ये देख सकते हैं MediaTek का आ गया। तो मोबाइल को इधर डाल देते, फिर से एक बार करते हैं फ्रेंड। रिसेट FRP मार दिया। ये देखिए हमारा जो FRP था वो रिसेट हो गया। अगर आप देख सकते हो रिसेट FRP हो गया। तो अभी हम मोबाइल को उसका केबल निकाल देंगे, निकालने के बाद ऑन करके देखेंगे जो हमारा FRP लॉक था वो लॉक है या चला गया। तो फ्रेंड, जिन लोग हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने का मतलब ये है, कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा। और फ्रेंड कमेंट में बताएगा वीडियो कैसे लगा आपको। तो थोड़ा टाइम चाहिए फ्रेंड, इधर 1-2 मिनट शायद या 3 मिनट। नहीं फ्रेंड हो गया, तो हम उसको सेटअप करके देखते हैं। जैसे स्किप कर देंगे, मोर मोर एक्सेप्ट नेक्स्ट स्किप नेक्स्ट स्किप यूज नाउ। ये देखिए फ्रेंड हमारा जो FRP था वो FRP चला गया, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।